अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब शोमैन राज कपूर ने दिलीप कुमार से जलन होने की वजह से पूरे फिल्म सेट को नुकसान पहुंचाया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि 10 साल की उम्र में पहली बार राज कपूर फिल्मी पर्दे पर दिखे थे। ये किस्सा भी इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल फिल्म इकबाल में एक सीन के लिए छोटे बच्चे की जरूरत थी, तब उसके लिए राज कपूर को कास्ट कर लिया गया। वो अक्सर अपने पिता पृथ्वीराज के साथ उनके पृथ्वीराज स्टूडियो जाया करते थे। वो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें फिल्म में ब्रेक नहीं दिया। उनका मानना था जिस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से फिल्मी दुनिया में जगह बनाई है, ठीक वैसे ही उनके बेटे राज कपूर भी खुद के दम पर फिल्मों में अपनी जगह बनाए। शुरुआती दिनों में राज कपूर पृथ्वी थिएटर में सेट की साफ सफाई किया करते थे। इस काम के बदले उन्हें 1 रुपया मिलता था। इसी दौरान उनके दोस्त दिलीप कुमार अपनी पहली फिल्म की तैयारियों में लगे थे। ये बात राज कपूर को बहुत परेशान करती थी कि इतने बड़े एक्टर के बेटे होकर भी वो फिल्मों में नहीं आ पा रहे हैं, और एक आउटसाइडर होने के बाद भी दिलीप कुमार की पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है। हालांकि दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर भी इस जलन में उन्होंने एक बार तेज हथौड़ा सेट पर मार दिया, जिस वजह से सेट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। अब क्योंकि वो थिएटर के मालिक के बेटे थे, इस वजह से किसी ने उन्हें कुछ ना कहा। हालांकि बाद में राज कपूर को अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपने पिता से इस गलती के लिए माफी भी मांगी। और फिर 11 साल की उम्र में राज कपूर को पहला ब्रेक साल 1947 में आई फिल्म नील कमल में बतौर लीड एक्टर मिला। इसमें उन्होंने खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर किया था, जिन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था। फिल्मी दुनिया में कदम रखे राज को सिर्फ 1 साल ही हुआ था और उन्होंने 1948 में महज 24 साल की उम्र में अपना स्टूडियो खोल दिया था, जिसका नाम आरके फिल्म्स है। ये अपने समय के सबसे यंग डायरेक्टर रहे। उनकी डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म आग थी, जिसमें उन्होंने खुद ही लीड रोल प्ले किया था और उनके ऑपोजिट कैरेक्टर में नरगिस थी। कम उम्र में इंडियन सिनेमा में तहलका मचा रहे राज कपूर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी अंदाज, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। राज कपूर ने फिल्मों के हर फील्ड में हाथ आजमाया था। उन्होंने 71 फिल्मों में एक्टिंग की थी, 10 फिल्मों में डायरेक्शन दी थी और 18 फिल्में प्रोड्यूस की थी। उन्होंने 6 फिल्मों में बतौर एडिटर काम किया था और राइटर के तौर पर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में काम किया था। राज कपूर अंतिम बार 1984 में ब्रिटिश टीवी शो किम में कैमियो रोल में नजर आए थे। 1988 में वो फिल्म हिना के डायरेक्शन में बिजी थे, लेकिन इसी दौरान अस्थमा की वजह से उनका निधन हो गया। बाद में इस फिल्म को उनके बेटे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर 1991 में रिलीज किया था। तो ये थी दर्शकों शोमैन राज कपूर की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।